मुझे लगा कि आज प्रधानमंत्री जो आए हैं टीवी चैनल पे, बड़ी बेसब्री से मैं उनका इंतजार कर रहा था कि उन व्यक्तियों के विषय में कुछ अनाउंस करेंगे जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, डेली खाते हैं, जो बिहार के, यूपी के, झारखंड के, तमाम राज्य के जो शहरों में जाते हैं मेहनत मजदूरी करके, वो अपना बाल बच्चों का पेट भरते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, और उन व्यक्तियों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जैसा सूरत के अंदर मजदूरों ने आगजनी की तो 1200 मजदूरों के ऊपर केस दर्ज किया वहां की सरकार ने, भाजपा सरकार ने। दूसरी ओर दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा अभी के खाने के बदले में वहां मौत बांटी जाती है, वहां जान से मार के आदमियों को फेंक दिया जाता है नाले के अंदर। तो उसके ऊपर मैं सोच रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे। जो गरीब आदमी आज फंसे हुए हैं और जो 1200 आदमी सूरत के अंदर केस दर्ज किया है उसका केस वापसी लेने की बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि इस देश में गरीबों का दुश्मन है, इनको गरीबों से सख्त नफरत है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। पिछले साल बिहार के अंदर चमकी बुखार से लगभग कई हजार बच्चे मर गए, लेकिन एक उफ तक नहीं निकला इस प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के लोग से और आरएसएस के लोगों से। तो इनका पुतला फूकने का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है, क्योंकि जिस तरीके का रवैया है इनका देखने को मिल रहा है, वो ऐसा लगता है कि ये इस देश के गरीब आदमियों को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि लोग अपने अपने घरों में कैद है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी आज ये कहते कि हर व्यक्ति घर के अंदर आप रहिए, आपको खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, हमारे वर्करों की है, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज न बिहार के मजदूरों के लिए बोला, न उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए बोला, न झारखंड के मजदूरों के लिए बोला, और ना ही देश के तमाम शहर में जो लोग मजदूरी करने गए हुए हैं उनके विषय में बोला। क्योंकि यदि इस देश में किसी को परेशानी है आज के टाइम में, तो गरीब आदमियों को परेशानी है। डेली बेसिस पे जो मजदूरी करके खाते हैं वो व्यक्ति आज कई आत्महत्या कर लिए हैं, कई पैदल चल चल के मर गए हैं। तो ऐसे में भारत सरकार संवेदनशील नहीं है इस मैटर को लेके। वो तो आज कोरोना वायरस लॉकडाउन करने का मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री का जानते हैं क्या है? माननीय प्रधानमंत्री का लॉकडाउन करने का उद्देश्य जो है वो इस देश के अमीरों को बचाने का है, कि कहीं उनको कोरोना वायरस ना फैल जाए, तो ये उनको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। दूसरी तरफ भारत सरकार का पुतला मैंने इसलिए जलाया है कि अभी आपने देखा होगा मैंने न्यूज चैनलों का नाम लेके उनका पुतला जलाया है। एक लफ्ज प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा टीवी चैनल के ऊपर कि इस गंभीर घड़ी में पूरा देश हमारा संकट से गुजर रहा है, न्यूज चैनल कम से कम हिंदू मुसलमान ना करे। क्योंकि भारत के अंदर अभी जो ये गोदी मीडिया है, ये इस बीमारी को भी हिंदू मुसलमान का नाम दिया है, इसलिए मैंने इन न्यूज चैनलों का पुतला दहन किया है। ताकि मैंने मांग उठाया है, आम जनता की आवाज है। प्रधानमंत्री अपने मोबाइल नंबर, जो वेबसाइट नंबर दिया वो सब तो बंद किए हुए हैं। मुख्यमंत्री वेबसाइट नंबर अपना बंद किया हुआ, मोबाइल नंबर बंद किया हुआ, कॉल हम लोग के पास आ रहा है मदद के लिए। पूरे देश से ऐसा कोई राज्य नहीं है, और सबसे ज्यादा गुजरात से कॉल आ रहा है मदद मांगने के लिए। तो शर्म से डूब मरो ना चिल्लू भर पानी में, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री। कहां चले गए आज वो 14 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य? आज क्यों नहीं वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं? क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट चाहिए? राम मंदिर पे सिर्फ वोट चाहिए? लेकिन जनता को जब भूखमरी कगार पे है, तो इस टाइम में आपकी हमदर्दी और एहसान किस बात का सरकार कर रही है? अरे जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचना चाहिए। क्या है सर, अब 3 मई तक जब कर पेट में आग लगती है तो कोई लॉकडाउन नहीं मानेगा।
जब पेट की आग जब भड़कती है ना तो कोई लॉकडाउन नहीं, जैसे सूरत में देखने को मिला। इससे बढ़िया तो सरकार गरीबों को लाइन लगा के, एक बुजुर्ग ने कहा ही था कि एक लाइन लगा के आप सूट करवा दो लोगों को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो जो बेचारे सिसक सिसक के रोटी के बिना मर रहे हैं गरीब मजदूर आदमी, उनको गोली मरवा दो मोदी जी, क्या दिक्कत है। हिटलर के नाम से तो आप प्रसिद्ध भाई हो और हिटलर जैसे काम भी करते हो। नरेंद्र मोदी की औलाद है, पत्नी है, नीतीश कुमार शादी करके एक बच्चा होके पत्नी होते हुए उस पत्नी को छोड़ दिया, तो ये लोग क्या औलाद का दुख दर्द या देश की जनता का दुख दर्द जानेंगे। योगी आदित्यनाथ वही हाल है, परसेंटेज तो इनकी पार्टी में वही है बिना औलाद के, तो इनको क्या पता कि औलाद का दुख क्या होता है, उसका सुख क्या होता है, एक पत्नी का दुख क्या होता है, एक उसका सुख क्या होता है, ये सब क्या जानेगा इस देश की जनता का दुख दर्द। ये तो मोदी जी आ जाते हैं फैशन करके एक नए स्टाइल के अंदर, कभी गमछा तो कभी ये तौलिया कभी वो टी शर्ट, तो ये लोग क्या जानने गए देश की जनता का हाल। अरे अगर इनके पास हिंदू मुसलमान की बीमारी ना फैलाए तो एक मत इनको नहीं मिल सकता है। कभी राम के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी जात पात पे, कभी दंगे करा के, कभी फसाद करा के कर लूंगा अगर। जी हाँ, अभी 10 मिनट पहले मेरे पास कॉल आया, जब प्रधानमंत्री का बयान सुना है तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, कहे तो प्रधानमंत्री जी मैं सार्वजनिक कर दूं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मजदूर सब कह रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप आत्महत्या नहीं करिए, विपत्ति की घड़ी है, हकीकत बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को यदि एक लफ्ज में कहते कि जो मजदूर जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके मालिक को उसको वेतन देना होगा, उसको बैठ के खिलाना होगा, नहीं खिलाएगा तो उसके ऊपर सरकार सख्त कदम उठाएगी।